नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में आज सबसे पहले बात उस मुद्दे पर जिसे समाचार प्लस ने सबसे पहले प्रमुखता से उठाया, सूबे की 21 करोड़ जनता के सामने रखा, बताया कि यूपी में शासन के सबसे ऊंचे पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की कैसे सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। मुजफ्फरपुर कांड आपको याद है ना, कैसे मासूमों की अस्मिता को रौंदा गया था। आज वही मामला यूपी में सामने आया। इस घिनौनी करतूत ने सिस्टम में बैठे उन लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये, लापरवाही या कहें भ्रष्टा की पोल खोल कर रख दी, जिसे सुचिता के साथ चलाने की जिम्मेदारी महिला और परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, प्रमुख सचिव रेणुका से लेकर जिलों के डीएम पर थी। सीएम योगी ने 3 अगस्त को ही आदेश दिया था शेल्टर होम का निरीक्षण करने का, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से सिस्टम करता आया है, वही ढाक के 3 पार। ऐसे में सियासत तेज होनी ही थी, लेकिन क्या कुछ जमीनी तौर पर परिणाम भी सामने आ पाएंगे? गाड़ी में ले जाती थी, नहीं जाने कैसे इतने कान से ले जाया जाता। सुना आपने, सुनिए, देखिए, महसूस कीजिए, त्रासदी की पराकाष्ठा पार कर न्याय की आग की चाह में सुलग कर वक्त के सितम की हट को अन्याय के तराजू को तौलिए। कल बिहार के मुजफ्फरपुर में सालों से बहते बेटियों की आंखों से आंसुओं को बहते देखा था, आज यूपी के देवरिया के बेटियों की पुकार, चीख को सुनिए, उस चीख के साथ गिरते आंसुओं के एक एक बूंद को देखिए। शासन प्रशासन से लेकर सिस्टम तक जाएं, उससे पहले इस बेटी के दर्द को एक बार महसूस तो कीजिए। प्रियंका दीदी बाहर जाती थी, भाई बड़ी में ले जाती थी, नहीं जाने कहते इतने का बन के इसे ले जाया जाता है, सफेद कार आती है। हम काम करते थे, क्या काम करते? झाड़ू पोछा, बर्तन धोने, सब मारती। ये मासूम देवरिया के शेल्टर होम में रहती है, जहाँ इसकी जैसी कई लड़कियों के साथ वो हुआ जो निहायत ही शर्मनाक है। आज इनकी जुबानी सिस्टम में लगे दीमक को परत दर परत समाचार प्लस उधेड़ रहा है। देवरिया में मुजफ्फरपुर कांड 2, माँ विंध्यवासिनी के नाम पर बेटियों का सौदा, बाल बालिका गृह के कारनामे का भंडाफोड़, 24 लड़कियों को कराया मुक्त, बच्चियों ने पुलिस को बताई आप बीती। एक शेल्टर होम की घिनौनी करतूत सामने आने पर आज यूपी में भूचाल है। उस भूचाल ने शासन से लेकर प्रशासन, प्रशासन से लेकर सियासत, हर किसी की नींव हिलाकर रखती है। अब सवाल उठने लगे हैं, सवाल उठना लाजमी भी है। सवाल इन बेटियों ने उठाए, सवाल जनता ने उठाए, सवाल सियासतदान उठा रहे हैं। सवाल का जवाब उनसे पूछा जा रहा है जिन पर इसे निभाने की जिम्मेदारी है। ये सवाल ऐसा है जिसके सामने आने पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नाराजगी है। नाराजगी उनके लिए जिन्होंने उनके आदेश की नाफरमानी की। जरा इस लेटर को देखिए, दिख रहा होगा सिस्टम में बैठे लोगों को ये आदेश, लेकिन उन्होंने ही इसे सिर्फ कागजी बनाकर रख दिया। आप आदेश तो हम नहीं मानेंगे, रीता बहुगुणा जोशी के सीएम ने लगाई जमकर क्लास। देवरिया की घटना पर सीएम सख्त, सीएम ने प्रमुख सचिव रेणुका कुमार की भी क्लास लगाई। प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने भी बरती है घोर लापरवाही, सीएम के निर्देशों का पालन कराने में रेणुका पूरी तरह फेल रही। घोर लापरवाही बरतने वाली रेणुका कुमार को ही सौंपी गई जांच। महापाप सामने आने पर विपक्ष को मिला मौका, सबने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बेटियों के दर्द पर शुरू हुई सियासत। 3 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला और परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, प्रमुख सचिव रेणुका कुमार समेत सभी जिलों के डीएम को शेल्टर होम का निरीक्षण करने का आदेश दिया था, लेकिन ज्यादातर ने वही किया जो हमेशा से करते आए। वो एसी की ठंडक से इतनी भीषण गर्मी में कहां पसीना बहाने वाले थे, ऐसे में सीएम योगी ने लापरवाही करने वालों के माथे से पसीना भी निकाल दिया, लेकिन लगता है वो तात्कालिक था। रीता बहुगुणा जोशी प्रेस के सामने आई, जांच की बात कही, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया,
लेकिन उन आंसुओं का मोल देखिए। जांच की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई जो सीएम के निर्देशों का पालन कराने में पूरी तरह से फेल साबित रही। जांच अब भी प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ही करेंगी। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 2 सदस्यीय जांच कमेटी, हाई लेवल कमेटी भेजी है। उसमें रेणुका कुमार जी, जो कि महिला एवं बाल कल्याण की अपर मुख्य सचिव हैं, वो भेजी गई हैं, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंजू गुप्ता जी भेजी गई हैं। एडीजी महिला की है ना, लॉ एंड ऑर्डर की। ये अभी जांच शुरू ही हुआ है, तो इस जांच पूरा करने में हमको वक्त चाहिए, तो इसमें अभी जांच जारी है। जांच के बाद जो भी निर्णय हो लिया जाएगा उस पर। अभी जांच जारी है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ कह नहीं सकती, हमको जांच करनी है। देवरिया में मुजफ्फरपुर कांड सामने आने पर विपक्ष सड़कों पर आ गया है। लखनऊ से लेकर देवरिया, देवरिया से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध की आवाज गूंज रही है और चिंगारी बनकर न जाने कहां तक पहुंचेगी। सबके निशाने पर है तो सरकार, आरोप पर आरोप, एक के बाद एक आरोप मढ़े जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी इस तरीके के मामले में, और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम तो मांग करते हैं कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा है दुष्कर्मियों को बचाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत माहिर हैं, कहीं न कहीं बचा ही लेंगे उनको। तो इस मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए और दोषियों को कम से कम फांसी होनी चाहिए इस मामले में। सर, एक मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद भी विभागीय मंत्री कार्रवाई नहीं कर रहा है, विभागीय अधिकारी काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाचार मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा बचानी है तो उत्तर प्रदेश के मंत्री को हटना चाहिए, विभागीय मंत्री को, और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यकीनन से बोल सकती हूँ कि मुजफ्फरपुर और देवरिया तो केवल दो जगह है। अब आप देखते जाइए कहाँ कहाँ क्या निकलता है। हम लोगों ने इनको अकेला छोड़ दिया, पैसे हम भेजते हैं, स्टेट कभी देखता नहीं है। फिर 559 स्वाधार ग्रह हैं, उससे मुझे डर लग रहा है कि क्या मिलेगा। इससे अच्छा हम एक बड़ी जगह बनाएं बच्चों के लिए, एक बड़ी जगह बनाएं औरतों के लिए, और बहुत आदर सत्कार श्रद्धा के साथ उनको चलाएं। आज भी मैं यही बोल रही हूँ। सियासत में सत्ता पक्ष की एक चूक विपक्ष के लिए संजीवनी है। आज सबके निशाने पर सूबे की योगी सरकार, जिनके खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होकर हल्ला बोला है, वो जनता के बीच जाकर बीजेपी की सरकार को अराजकता की सरकार साबित करने में जुटी है। वक्त रहते अब योगी के माथतों ने संजीदगी से काम नहीं किया तो मिशन 2019 में सेंध लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सियासत में एक चूक किसी के लिए वरदान है तो किसी के लिए शराब। अब देखना होगा देवरिया होमकांड में कितने दिन तक सियासत चलती है। लेकिन राजनीति में एक और बात अहम है, यहाँ विरोधियों पर वार करने के लिए मौके भी तलाशे जाते हैं। मुगलसराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन क्या हुआ, सियासत तेज हो गई। सबसे पहले सहयोगी भाजपा ने नसीहत दी, कहा नाम बदलने से अच्छा है कि सरकार काम पर ध्यान दे। अपनों ने जब वार किया तो विरोधियों को भी मौका मिल गया, विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई। मुगलसराय जंक्शन का नाम बदले जाने पर सियासत। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दी नसीहत, नाम बदलने से नहीं होता विकास। पहले समय पर ट्रेन चलवाए सरकार, मोदी सरकार पर विपक्ष हुआ हमलावर। नाम पर सियासत। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है, ऐसा ना होता तो राजनीतिक दल नाम की सियासत न करते। जिलों, कस्बों, प्रतिष्ठानों के नाम बदलने का खेल नया नहीं है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर राज्य में सरकारें अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए शहरों के नाम बदलती रही हैं। इसमें कांग्रेस, बसपा, सपा और भाजपा सब शामिल हैं। यूपी में नाम बदलने की राजनीति ने फिर करवट ली। रेलवे ने मुगलसराय जंक्शन के नाम के बदले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। ऐलान करने के लिए रेल मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। योगी जी
आई, भाजपा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 14वां वित्त आयोग आया, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को 3 लाख से बढ़ाकर 8,08,000 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मुगलसराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करने पर भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है। बयान बहादुर राजभर ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए सरकार को तंज और नसीहत में ऐसा ढाला कि सरकार को शब्द ही नहीं मिल रहे तो विपक्ष को मौका मिल गया। हमारी दिली इच्छा तो सिर्फ इतनी सी है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, पिछड़ी जाति के विभाजन करके इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। आप नहीं चाहते हैं सोहेल जी के नाम से कोई जगह स्थान का नाम हो? क्यों नहीं चाहते हैं? कहां का? हम तो बहराइच का, जो बहराइच जिला है उसी का नाम सोहेल देव जिला रख दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को क्या निशाने पर लिया? विपक्ष हमलावर हो गया, सरकार को निशाने पर ले लिया। नाम बदलने से विकास कहां हो जाएगा? नाम की सियासत, रंग की सियासत में भारतीय जनता पार्टी इसलिए फंसी है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिन मुद्दों पर देश ने उनको इतना बड़ा बहुमत दिया था, इतना बड़ा समर्थन दिया था, तो अपने मुद्दों को छिपाने के लिए, मुद्दों से चीजों को भटकाने के लिए ये नाम की और रंग की सियासत कर रहे हैं, लेकिन देश जान गया, देश इनको माफ नहीं करेगा। बहरहाल मोदी से लेकर योगी सरकार ने उपाध्याय की विरासत को पुनर्जीवित करने की इसे कोशिश का नाम दिया। तर्क यही दिया था कि उपाध्याय की मृत्यु 1968 में इसी जंक्शन पर हुई थी, लेकिन विपक्ष का अपना एजेंडा है और शायद ओम प्रकाश राजभर की महत्वाकांक्षा भी इतनी हो चुकी है कि उन्होंने सरकार के विरोध को अपने एजेंडे में हमेशा के लिए शामिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। गोंडा में एल्गिन तटबंध क्या कटा, सियासी पार्टियों ने सियासत शुरू कर दी। सपा के 2 पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह और विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए। तटबंध कटने से प्रभावित हुए नकारा गांव का दौरा करने गए सपा के 2 पूर्व मंत्रियों ने मौके पर जमकर तमाशा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को उकसाया, फिर सरकारी कर्मचारियों को जान से मारने के लिए प्रोत्साहित भी किया। किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। अरे हम उसे पहला ना आए जाए परेशान क्या लेके घुरपा ले जा रहे मारा। अगर तटबंध बनाने की आवश्यकता कहीं पर बरसात के बाद पड़ती है तो मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि वहां पर हम सबको सहयोग करना चाहिए और मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी कहूंगा कि ग्रामीणों को जिनकी जमीन जाती है उसका उचित मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति उसे अपनी दूसरी जमीन अन्यत्र। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे ताकि मिशन 2019 को मजबूत किया जा सके। गोंडा में योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कर रहे थे, तटबंध के लिए किसानों की जमीन को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन 2019 की जंग विपक्ष के लिए भी साख का सवाल है। अगर तटबंध बनाने की आवश्यकता कहीं पर बरसात के बाद पड़ती है तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि वहां पर हम सबको सहयोग करना चाहिए। सभी दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं जिसमें शायद सपा ने पहली बाजी मारी। आइए सबसे पहले सपा के 2 वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्री के कारनामों को सुना। डंडा ले ले जुट जाए माल की गिरा दे तू सबे तैयार रहोगा। अरे हम उसे पहला ना आए जा परेशान ना लेके घुरपा ले जा रहे मारा रहे। ये वो 2 पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने कभी भारतीय संविधान का पालन करने की कसम खाई। ये वो हैं जिन पर कभी विधानसभा में बैठकर कानून बनाने की सहभागिता की जिम्मेदारी होती थी, जिन पर जनता भरोसा करती थी और उसी विश्वास के भरोसे मंत्री हैं जिन्होंने कभी भारतीय संविधान का पालन करने की कसम खाई। ये वो हैं जिन पर कभी विधानसभा में बैठकर कानून बनाने की सहभागिता की जिम्मेदारी होती थी, जिन पर जनता भरोसा करती थी और उसी विश्वास के भरोसे पर जनता ने अपना जनप्रतिनिधि भी चुना था, जिनमें एक तत्कालीन सपा सरकार में कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह और दूसरे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रहे योगेश प्रताप सिंह।
लेकिन दोनों ने बाढ़ पीड़ितों के गांव में पहुंचकर लोगों को भड़काया, फिर सरकारी कर्मचारियों को जान से मारने तक के लिए प्रोत्साहित किया। आप भी सुनिए। ये बांध पक्का करने की योजना माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे मांग पर स्वीकृत कर दी थी। उसके लिए 93 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हो गया था, लेकिन सरकार बदल गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, उन्होंने उस योजना को निरस्त कर दिया और ये खेल खेला गया रिंग बांध बनाने का। रिंग बांध ये बना रहे थे जो हमारी पक्की सड़क है, उस सड़क के उस पार रिंग बांध बन रहा था। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, हम लोगों ने इसका विरोध किया। मैं स्वयं इस गांव में आया, मैंने मीटिंग की, मीटिंग करके लोगों को जागृत किया और अखिलेश जी के पास पूरा यहां का प्रतिनिधिमंडल लेके गया, उन्होंने विधानसभा में इस बात को उठवाया। दरअसल दोनों सपा नेता एल्गिन चरसड़ी तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचे थे, बाढ़ पीड़ितों से इन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को न केवल सरकारी कर्मचारियों को खदेड़ देने के लिए भड़काया, बल्कि इसके लिए खुद भी सहयोग करने की बात गहराई। क्या ये मान लिया जाए कि तटबंध को लेकर सपा की ये हिंसक चाल है, जिससे जनता को भी सावधान रहने की जरूरत है, सावधान योगी सरकार को भी रहना होगा। राजकुमार सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। अरे हम पहला ना परेशान मारा। सियासत में अनेक रंग है, इन रंगों की पहचान सियासतदानों के लिए अहम है, क्योंकि रंगों की अनदेखी सालों की मेहनत को पल भर में ही बर्बाद कर सकती है। आज ऐसे ही शाय रंग का दाग फरुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत पर लगाया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञान देवी ने नौकरानी कहे जाने पर उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में मुकेश राजपूत एक लौते नेता है जिन्होंने विवादित बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरी है। इससे पहले भी कई नेताओं ने ऐसा किया है, जिसकी वजह से बीजेपी को नफा से ज्यादा नुकसान हुआ और हो भी रहा है। सवाल यह है कि ऐसे बड़बोले नेताओं पर पार्टी अब तक लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। फरुखाबाद में एक और बीजेपी दलितों को करीब लाने के लिए, दलितों का सम्मान करने के लिए मंच सजाए बैठी थी और अपने सांसद मुकेश राजपूत के हाथों दलितों के सम्मान का टोटका करने में लगी थी। ठीक उसी वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञान देवी उन्हीं सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए DM मोनिका रानी के कक्ष में प्रवेश कर रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञान देवी ने सांसद और उनके समर्थकों पर उनकी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। हम तो जो कहिए कि ज्ञान देवी समोद की नौकर ने है। हम जब जिला अध्यक्ष की फरुखाबाद से जिला अध्यक्ष हूँ तो किसी ने जाना नहीं है कि ज्ञान देवी जिला अध्यक्ष हूँ कि वो समोद की नौकर ने है, किसी ने जाना है कि नहीं? अब वो मेरे सामने लाओ। ये गुस्से की आग है जिसका संबंध सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। आइए सुनाते हैं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने तब कहा क्या था। जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ इस समय ज्ञान देवी है, ज्ञान देवी ना करके यहाँ पर उनके जो है सुबोध यादव, ये जो ब्लॉक प्रमुख है राजेपुर क्षेत्र के, वो उनकी सहयोगी है, समझ ले उनकी नौकरानी है, तो इस दृष्टिकोण से वो ही इस जिला पंचायत को चलाने का काम कर रहे हैं। सियासत में जुबान से निकले हर शब्द की अहमियत होती है, बोल का मोल होता है। जिसने भी शब्दों को सही तरीके से नहीं तोला, यूं ही किसी जगह किसी वक्त दुनिया के सामने रख दिया तो फजीहत तय है। आज विपक्ष के निशाने पर बीजेपी। किसी व्यक्ति विशेष का जो उनकी अपनी निजी कहीं कुंठा रही होगी उनसे जोड़कर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष को उनकी नौकरानी कहते और दलित महिला और जिला की प्रथम नागरिक, तीन तरह से उनका उन्होंने गलतियां की। हम सारे सदस्य, दलित महिला नेता और सारे लोग माननीय अध्यक्ष जी के साथ माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए और उन माननीय सांसद जी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग। ये भाजपा की मानसिकता उजागर करती है। आज वो दलित दिवस, दलित सम्मेलन कर रहे हैं आज के दिन, और आज की दलित महिला जनपद की प्रथम महिला है उसका उन्होंने घोर अपमान किया, क्योंकि वो एक डॉक्टर सुबोध यादव की नौकरानी है। इस तरीके के अपशब्द, अभद्र शब्दों का प्रयोग
एक सांसद कर रहे हैं उससे उनकी मानसिकता उजागर हो रही है। बीजेपी सांसद अपने बड़बोलेपन के लिए विपक्ष के निशाने पर हैं। नाराजगी महिला जिला पंचायत सदस्य को भी है। इंतजार अब मुकेश राजपूत के फिर एक नए बयान का भी है जिसमें सफाई भी हो। लेकिन क्या इस प्रकरण से बीजेपी की फजीहत नहीं हुई? अनिल वर्मा, फरुखाबाद समाचार। समाज ने शराब को हमेशा है भरी नजरों से देखा, लेकिन शराबियों ने फिर भी उसे दिल से लगाया। सियासत भी समाज का हिस्सा है, लेकिन उसी सियासत के धुरंधरों की नजरों में शराब क्या है, जानने के लिए चलते हैं सीतापुर। सीतापुर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका संबंध वहां के बीजेपी सांसद राजेश वर्मा से है। राजनीति में बात राजेश वर्मा के एक ऐसे शौक पर जिसमें ब्रांड अहम है। इस ब्रांड का संबंध मधुशाला के मैं से है। माननीय का शौक इस कदर बेताब हुआ कि सियासी गलियारे से लेकर हर और वायरल हो रहा है। इस सोच को क्या कहिए? सोच ऐसी बोल दिल के रास्ते होते हुए जहन तक आए, फिर जुबानी शब्दों का जायका लेकर दुनिया के सामने रख दिया। कभी सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला और मैं के निर्भीकों का चित्रण एक एक शब्दों को प्रोकर किया था। आज उसी मैं से भरे प्यालों को सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने कैटेगराइज कर दिया। श्रेणियों में ऐसा बांटा, शराब जो दिल टूटने वालों को राहत के एक पल का एहसास कराती थी, आज उसी का दिल टूट गया। माननीय ने जनता के सामने जनता की नुमाइंदगी करते करते उसकी भेंट का ब्रांड वैल्यू पूछ दिया। पूछा क्या लाए? जवाब आया फला ब्रांड का लाए हैं। तो सांसद महोदय का दिल टूट गया। कौन लाए बहरहाल बीजेपी सांसद राजेश वर्मा की ये मांग जिसमें उस शराब में ब्रांड के बारे में पूछते हैं और मन मुताबिक नहीं होने पर कमरे से बाहर निकल जाते हैं, आज वही वीडियो वायरल हो रहा है तो लोगों की जुबान पर है कौन सा ब्रांड लाए हो। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार। बस राजनीति भी ब्रांड की तरह है। साख पर जरा सा भट्टा क्या लगता है, ब्रांड वैल्यू पार्टी की गिर जाती है, नेताओं की गिर जाती है। ऐसे में सियासी पार्टियां और सियासतदान संभल कर चाले चलते हैं और जिसने चूक की सियासत की शतरंज पर मात तय है। राजनीति में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।